हाय दोस्तों, आप सभी के पास फिर स्वागत है। कई बार हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण हम मुसीबत में फंस जाते हैं। आपको पता है कि रात 10 बजे के बाद टिकट चेक करना मना है। भारत में हर दिन लगभग 40 करोड़ लोग ट्रेन से लंबी दूरी या तो यात्रा करते हैं या ऑफिस आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ट्रेन में सफ़र करते समय हर यात्री चाहता है कि उसकी यात्रा सुखद वो आरामदायक हो, लेकिन अक्सर लोग ट्रेन में शोर, टिकट चेकिंग या सीट को लेकर दूसरे यात्रियों के साथ परेशानी हो जाती है। यात्रा के दौरान यदि आपकी मर्जी ना हो तो कोई आपको ना तो परेशान कर सकता है। यहाँ तक कि रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्रा के दौरान रात में टिकट निरीक्षक भी आपको सोते समय उठा नहीं सकता है। तो आइए आप भी जान लें कि यात्रा के दौरान वे कौन कौन से नियम हैं जिसका जानकारी आपको होना ज़रूरी है। यदि आप सुबह से ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और कई टिकट परीक्षक, आप इसको हम टीटी बोलते हैं, आपसे रात 10 बजे के बाद टिकट लेने आता है, आपको देर रात जगाता है और टिकट या आईडी दिखाने के लिए कहता है, लेकिन आपको बता दें कि रात 10 बजे के बाद टीटी भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। टीटी को केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के बीच ही टिकटों को सत्यापित करने का अधिकार है। रेलवे बोर्ड गाइडलाइन के अनुसार सुबह से जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उन्हें टीटी भी सोते हुए डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि टीटी के पास सभी पसेंजर की सूची होती है जिसमें उन्हें पता होता है कि किस सीट पर कौन सा यात्री कहां से कहां तक की यात्रा कर रहा है। उनकी टिकट सुबह में ही चेक हो चुकी है। अभी जो रूल है वह रात 10 बजे के बाद यात्रा करने वाले के लिए लागू नहीं है। हालांकि रेलवे बोर्ड का यह भी नियम है कि यदि कोई ट्रेन रात 10 बजे के बाद ट्रेन में यात्रा के लिए चढ़ा है तो टीटी आकर आपका टिकट बॉडी जांच करने का अधिकार रखता है। अब 10 बजे के बाद मिडल बर्थ पर सोने का भी अधिकार है, तो 10 बजे के बाद आप सीट को उठा सकते हैं। अधिकतर समय यात्रा के दौरान कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो निचले बर्थ पर सफ़र कर रहे होते हैं और रात 10 बजे के बाद भी नींद नहीं आने की बात कहकर अपने स्वजनों से बात कर रहे होते हैं। ऐसे में मिडल बर्थ में आरक्षित यात्री को उनके इंतजार में न सिर्फ जगना पड़ता है बल्कि उनकी मेहरबानी का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन रेलवे का नियम कहता है कि रात 10 बजे के बाद मिडल बर्थ का पर यात्रा करने वाले यात्री उस सीट को खोलकर सो सकते हैं। नियम यह भी कहता है कि मिडल बर्थ वाले यात्री को सुबह 6 बजे के बाद अपनी सीट खोल देनी है ताकि सुबह में नीचे के यात्रा सुविधानुसार सीट पर बैठकर यात्रा कर सकें। अब टू स्टॉप का क्या नियम है? टू स्टॉप का रेलवे के अनुसार यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपकी सीट और अपनी सीट पर नहीं पहुंचे हैं तो टीटी को ट्रेन के अगले 2 स्टॉप या अगले 1 घंटे जो भी पहले हो के लिए किसी अन्य यात्री को आपकी सीट आवंटित नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि आपके बोर्डिंग सेशन के अगले 2 सेशन तक आपकी सीट पर नहीं पहुंचे तो टीटी यह मान लेगा कि संबंधित यात्री ट्रेन नहीं पकड़ पाया और तीसरा स्टॉप पार होने के बाद टीटी आपकी सीट आरएसी सूची में अगले व्यक्ति को आवंटित करने का अधिकार रखता है। तो साथियों, यह रेलवे से जुड़ी काफ़ी अहम जानकारियां थी जो कि आपको पसंद आई होंगी। तो आगे की वीडियो को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।